ट्रेन का चक्का लाते हुए भैया ने मुझे लिफ्ट दे दिया। थैंक यू। अच्छा थैंक यू भैया को लिफ्ट दे दिया सुबह सुबह, ये भी ट्रेन का चक्का लेकर जा रहे हैं। थैंक यू भैया। और ऐसे ऐसे ड्राइवर हेल्प करते हैं तो अच्छा लगता है। और इन्हीं लोगों की वजह से मैं आज कहाँ तक विशाखापट्टनम के नज़दीक आ गया हूँ। इन्हीं लोगों की वजह से मैं यूपी से स्टार्ट किया था, यूपी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल पांडुचेरी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में मैं आ गया इन्हीं ड्राइवर लोगों की वजह से। थैंक यू ऑल इंडिया ड्राइवर्स। और भैया को भी इन्होंने मेरा बैग देखा और रोक दिया और आगे लेकर जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक लेकर जाएंगे हमको। अब आगे देखते रहिए आप लोग, काफ़ी लंबा दूरी है और देखते हैं कहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। देखो रोड चल गया विशाखापट्टनम सिटी और ये बाईपास है। देखो कितना मुड़ा मुड़ा रोड है और ये तो बाईपास के बाहर बाहर जा रहे हैं। देखो भाई रोड बन जाता है, रोड भाई रोड जब ब्लॉक हो जाता है तो कैसे गाड़ियां फंस जाती हैं। और इधर भैया का गाड़ी इस तरफ चल रहा है, ये ऊपर रोड बन रहा है लेकिन ब्लॉक हो गया है और नीचे नीचे आना पड़ रहा है। हम लोग नीचे नीचे जा रहे हैं। कहाँ बनता है? वो नहीं, ये जहाँ से ला रहे हैं कहाँ बनता है? बेंगलोर भाई, ये बेंगलोर बनता है। ट्रेन का जो चक्का है ये बेंगलोर बनता है, बेंगलोर से जा रहा है कलकत्ता, कलकत्ता वहाँ पे वो बनती है। तो क्या इसका टैंकर ऑफर थोड़ा नाश्ता करने का, अब चल रहे हैं नाश्ता करने, उसके बाद देखते हैं। देखो ट्रेन का डब्बा करने जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है, फिर आप लोग देखिएगा। काफ़ी अच्छे लोग हैं, भारत में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। और आप जब निकलोगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बुरे तो हर जगह रहते हैं लेकिन अच्छे लोग तो बहुत हैं, आपको कोई कमी होने नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल मैं कल सुबह तक खाना नहीं खाया, शाम को केवल मिला था। थोड़ा नाश्ता हो गया, अब थोड़ा बिहारी होटल में आए हम तो यहाँ पे अंडा और रोटी आज मिला है जाकर खाने को, अंडा और रोटी काफ़ी दिनों के बाद। और ये ट्रेन का जो पटरी है चक्का है ना, 1.15.5 15 क्विंटल 50 किलो का एक चक्का है। अब सोच लो इतना हैवी है चक्का, इसको कैसे बांधा गया है, इसको चैन से सारा बांधा गया है और बिल्डिंग की गई है, बिल्डिंग जिससे ये रुक सके, चैन से नहीं रुकना, बिल्डिंग की गई है, बिल्डिंग से रुकेगा। लंबा शहर है अंकापल्ली, ये हाईवे के पास मौजूद है, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे कॉलेज हैं। ये अंकापल्ली शहर, अंकापल्ली ये सरकार द्वारा बनाया गया ये रूम है, काफ़ी लोग यहाँ पे रूम का फ़ायदा ले रहे हैं। देख लो भाई ये जो पौधा दिख रहा है इसी का सिंध बनता है इतर, ये उड़ीसा में पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसी का सिंध बनता है। जो पौधा दिख रहा है बड़ा बड़ा वो झखाड़ था वही।
काजू का पेड़। ऐसी ऐसी जगह रहती है, काफ़ी रोड के किनारे काफ़ी चौड़ी चौड़ी जगह रहती है जहाँ पे ट्रक वाले रुकते हैं और नाश्ता ब्रश चाय वह सब करते हैं। और देखिए हम दिखा रहे हैं आप सबको को, बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं और ठड़े हैं यहाँ पे। हम तो रेल वाले ट्रक चक्का वाले पे बैठा हूँ। देखो चारों तरफ एकदम जंगल रहेगा और एक छोटा सा दुकान रहेगा जहाँ पे हम चल रहे हैं वहाँ पे। देख लो भाई पहाड़ के बीच में कैसे रोड बना हुआ है, दोनों तरफ एकदम पहाड़ है और पहाड़ के नीचे जो ये पेड़ दिख रहा है हरा हरा, ये काजू का पेड़ है। तो भाई अभी मीटर चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ, 263 लीटर हो गया। देखिए देख रहे हैं कहाँ तक गया है, 263 लीटर इस टंकी में आया है तेल। ये मशीन आपको सपनों लगते हैं देखने के लिए, बहुत बड़ा मशीन है ये, आप सपना देखना पड़ेगा इसको देखने के लिए। कभी कभी जिसका नसीब रहता है उसको देखने को मिल जाएगा इतना बड़ा मशीन, वरना कभी देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी बड़ा मशीन है, एक ट्रक पे ठड़ा हुआ है और उसका मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। ये वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे मैं आ गया। देखो ये बॉर्डर एरिया है और यहीं पे मैं हूँ। देख लो भाई ये है बंगाल का रोड, बंगाल में हम प्रवेश कर गए। ये बंगाल में देखो कितना चौड़ा चौड़ा रोड बन रहा है, जैसे लग रहा है कि हवाई पट्टी बन रहा है। देखो ये बंगाल का रोड, काफ़ी चौड़ा चौड़ा बंगाल का रोड है। हम आ गए हैं वेस्ट बंगाल। देखो ये नहाने के लिए बना होता है, काफ़ी बड़ा बड़ा हौदी बना है नहाने के लिए। देखो सुबह हो गया और हम लोग रेल का चक्का लेकर उसके फैक्ट्री में आ गए हैं और उतारने जा रहे हैं। देखते हैं आज उतर जाता है कि नहीं, और कुछ समय लगेगा, आप लोग देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मुझे। वो ट्रेन जा रही है और उसका चक्का यहाँ पे है, वो काफ़ी भीड़ है ट्रेन में। वाह उसका चक्का यहाँ पे है, देखो यही जा रहे हैं उतारने। इसी से हम आए हैं लिफ्ट लेकर। ये बहुत बड़ा फैक्ट्री है, यहाँ पे ट्रेन का बोगी बनता है, जो ट्रेन का डब्बा होता है नहीं वही यहाँ पे बनता है। सुबह का समय है, कितना रेल चक्का यहाँ पर रखा हुआ है। दोनों तरफ एकदम रेल चक्का रखा हुआ है। बहुत बड़ा कोलकाता का रेलवे बोगी कंपनी है, यहाँ पे बोगी बनती है, मालगाड़ी बोगी बनती है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है। और ये देखो केवल आपको रेल का ये चक्का दिखेगा हर जगह, और इसमें भी रेल का चक्का है यहाँ पे उतारा जा रहा है, काफ़ी बड़ा है। बोगी बहुत सारे तैयार हैं, अभी देखते हैं कहाँ तक आपको हम वीडियो दिखा पाते हैं, देखते रहिए आप लोग।
5-6 उतारते उतारते मशीन बिगड़ गया, इसको बना रहे हैं। मशीन बिगड़ गया है।